पोर्टेबल फिटल मॉनिटर मशीन है विथ टच स्क्रीन। इसका पावर सोर्स यहाँ पे पीछे कनेक्ट होगा। इसका डिस्प्ले जो है 90 डिग्री रोटेटेबल है। यहाँ से मशीन को ऑन ऑफ बटन से स्टार्ट करेंगे। इसकी एक्सेसरीज में ये एक टोको सेंसर है, एक FHR है, एक फिटल मार्किंग सेंसर, वन पेयर बेल्ट, प्रिंटिंग पेपर एंड पावर सोर्स केबल। इसमें फंक्शनिंग देख लेते हैं। ये प्रिंट यहाँ से जनरेट होगा या ये बटन से, यहाँ से मोड उसका चेंज होगा। ये है जो मॉनिटरिंग किया हुआ डेटा है, यहाँ से आप रिवर्स देख सकते हैं। यहाँ से जो डिटेल्स है, यहाँ पे आप पेशेंट की डिटेल्स यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। नेम, एज, आईडी कार्ड, हाइट, वेट, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, ब्लड प्रेशर, फिर फेटल का जो वीक, जहाँ से मतलब जितना वीक का फेटल है वो डे, पैरिटी, बेड नंबर, उसको कंफर्म करके यहाँ से कंटिन्यू। फिर ये जो है यहाँ से मेनू, और यहाँ से जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड स्टॉप बटन से यहाँ से अंदर से 20 मिनट का सेट किया हुआ है। तो 20 मिनट तक का जो भी मॉनिटरिंग है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे उसके जो रिवर्स टाइम है वो यहाँ पे शो करेगा। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, ये प्रिंटिंग स्पीड है, यहाँ पे बैटरी इंडिकेशन, ये वॉल्यूम, ये टाइम, यहाँ पे पेशेंट डिटेल्स, FHR1 का वैल्यू यहाँ पे शो होगा, FHR2 का जो भी रीडिंग्स है वो यहाँ पे शो होगा, ये टोको रीडिंग्स शो होगा, और यहाँ पे मार्किंग का जो भी काउंटिंग है वो यहाँ पे शो होगा। और ये जो बेस लाइन्स है ये टोकोग्राफ के लिए है, और ऊपर की बेस लाइन्स जो है वो FHR के लिए है। यहाँ से भी आप पेशेंट का जो मॉनिटरिंग किया हुआ है उसको रिव्यू कर सकते हो, और यहाँ से डायरेक्ट उसको भी प्रिंट आउट कर सकते हो। फिर यहाँ से मेनू, मेनू में न्यू में भी पेशेंट डिटेल्स आप फिलअप कर करके कंटिन्यू करके उसको यूज़ कर सकते हो। सेकंड, इसमें 500 तक पेशेंट का जो डेटा है वो स्टोर होता है। और इसमें ऑप्शनल फंक्शन ये भी है कि जो भी रिपोर्टिंग यहाँ पे की हुई है उसको भी आप यहाँ से रिव्यू भी कर सकते हो, रिव्यू करके उसको प्रिंट आउट भी दे सकते हो। और इसमें इंटरनल मेमोरी में 500 पेशेंट का डेटा है वो स्टोर रहता है, और यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक और फंक्शनिंग दी हुई है। यहाँ पे USB प्लग इन करके इसमें आप USB में भी डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ से डेट एंड टाइम सेटिंग हो जाएगा। फिर सेटअप में, सिस्टम सेटअप के अंदर यहाँ से डेमो मोड अगर आप चालू करके देखना चाहेंगे तो वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर इसमें ऑपरेटिंग मोड, पेपर डिटेक्शन, डेटा स्टोरेज इनसाइड और आउटसाइड, जब UDIS कनेक्ट होगा तो यहाँ से आउटसाइड भी उसको कर सकते हो। यहाँ से उसके टच मोड को भी आप चेंज कर सकते हो। इसमें दो टच मोड का कैलिब्रेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर सैम्पल सेटअप में प्रिंटिंग स्पीड जो है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो, मैक्सिमम टू मिनिमम। और यहाँ से FHR की चैनल आप सेट कर सकते हो, FHR वॉल्यूम यहाँ से एडजस्ट हो पाएगा। टोको रीसेट वैल्यू, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। FM कर्व, मतलब जो काउंटिंग, फिटल मूवमेंट काउंटिंग है उसको ग्राफ अगर ऑन करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। टोटल मोड मैनुअल रहेगा, FM टोटल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 50% रहेगा डिफ़ॉल्ट, और थिकनेस है वो यहाँ से आप मतलब बढ़ा भी सकते हो, जो भी ग्राफ की थिकनेस है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर एनालिसिस सेटअप के अंदर अलार्म्स ऑन ऑफ जो भी रखना है, क्लास, अलार्म क्लास मतलब लो, मीडियम और हाई,
अलार्म साउंड यहाँ से सेट कर सकते हो, FHR की हाई और लो वैल्यूज़ यहाँ से सेट हो जाएगी, अलार्म डिले आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद प्रिंट सेटअप में रिपोर्ट स्टाइल में यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। वेव स्पीड जो है वो मैक्सिमम अप टू 3 सेंटीमीटर पर मिनट है। रिकॉर्ड टाइम या टाइम भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसमें आप मिनिमम 10 से लेके अप टू 30 मिनट तक का रिकॉर्ड टाइम सेट कर सकते हो। रिकॉर्ड मोड ऑटो रहेगा। प्रिंटिंग थिकनेस आप अप टू 7 तक इसको सेट कर सकते हो। लाइन विड्थ वो भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इसमें पावर इंडिकेशन है वो यहाँ पे जैसे शो हो रहा है, बैटरी इंडिकेशन भी शो हो रहा है, और जो प्रोप कनेक्टिविटी है इसकी येलो, जो प्रोब येलो कनेक्टर है वो FHR प्रोब है। इसका नोच देख के आपको इंसर्ट करना है। ग्रीन प्रोब है वो नीचे, टोको सेंसर है वो यहाँ पे कनेक्ट होगा, और इसका जो मूवमेंट मार्किंग सेंसर है वो यहाँ पे कनेक्ट होगा। और इसका जो पेपर है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड से इसको ओपन करके इसमें प्रिंट किया हुआ पार्ट ऐसे थोड़ा बाहर रख के इसको ऐसे इनसाइड प्लेस करके इसको यहाँ से पुश करना है। और ये बेसिकली 10.2 इंच का डिस्प्ले है, और इसमें टच एंड टाइप दोनों फैसिलिटीज़ दी हुई है। और इसके बेसिक स्पेसिफिकेशंस ये है, और इसकी जो प्रिंट का पेपर है उसका जो विड्थ है, साइज़ है वो 112 mm का जो पेपर है इसमें स्टोर होता है। और इसके बेसिक स्पेसिफिकेशंस ये है, और इसमें जो इनबिल्ट बैटरी लगी हुई है उस पर बैटरी बैकअप जो है वो मैक्सिमम 3 आवर्स का बैकअप है।